अभिवादन भी करना पड़ेगा क्या? चलिए आइए, अभिवादन क्या करें आपका, आप तो अच्छे होंगे ही। यहाँ पे शुरू कर दे किसका, एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, या हिंदी वाले जो है वो पढ़ेंगे क्या, एन गुणक या संयोजी गुणक। परिभाषा देख लेते हैं और डिफिनेशन इंग्लिश में, चार्ज एक्सचेंज पर मोल ऑफ सबस्टांस, मतलब एक मोल कोई भी अगर सबस्टांस लेते हैं वो कितना चार्ज ट्रांसफर करता है, वही क्या होता है आपका एन फैक्टर, या उसी का दूसरा नाम है वैलेंसी फैक्टर। हिंदी में पढ़ लीजिए तो प्रति मोल पदार्थ में आवेश का विनिमय, वही हुआ, एक मोल पदार्थ लीजिए कोई भी और कितना आवेश का उसमें से अदला बदली होता है, स्थानांतरण होता है, वही क्या कहलाता है आपका एन गुणक या संयोजी गुणक। आइए देखते हैं चुन चुन कर कि किस किस चीज में आता है, और अगर आप बने रहिएगा, ऐसा नहीं है कि आप सोचेगा कि हम वीडियो लेंदी है या हम कोशिश करेंगे पार्ट बाय पार्ट आए, तो आप ये मत सोचिएगा कि चार पार्ट हम लोग हल्का हल्का पार्ट देख लेते हैं, भारी वाला नहीं देखते हैं। तो अगर आपको एन गुणक का कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो आप अंत तक बने रहिएगा, हो सकता है एक घंटा लगे, डेढ़ घंटा लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप अच्छे से बने रहिए, हम आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आपको एन गुणक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर आपको एन फैक्टर आता है, आपके पास इसका नॉलेज है, तो आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। आप अगर तुल्यांकी द्रव्यमान इक्विवेलेंट वेट अगर आप निकाल सकते हैं तो फिर आप उससे नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं, इसी उससे मोलैरिटी निकाल सकते हैं, तो हर चीज में बेनिफिट होगा, मास निकाल सकते हैं। इसीलिए आप देखते रहिएगा, पूरा वीडियो देखिए, एक एक चीज को समझिए, बारीकी को समझिए, कहीं प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसको देखने से पहले दो वीडियो पहले जाकर देख लीजिए, एक ऑक्सीडेशन नंबर वाला वीडियो और दूसरा जो आपका वीडियो है वो बेसिसिटी पे है और एसिडिटी पे है, ये तीनों वीडियो आपको देख लेना है जिससे आपका आसान हो जाए। चलिए देखते हैं कि कभी शुरू करते हैं, तो सबसे पहले अगर कोई एटम आ जाएगा, कोई क्या आ जाएगा एटम, तो जब भी आपका कोई एटम आएगा, जैसे मान लीजिए सोडियम आता है, पोटासियम आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम, अगर कोई एटम आ जाएगा तो एटम के केस में आप किसको देखोगे, तो वैलेंसी को देखोगे, किसको देखोगे वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, संयोजकता होता है। अगर एक हम एग्जांपल समझा देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, आप लिखिएगा के एल एम और क्या एन, यहाँ पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, दो, दूसरा में कितना, 8, और तीसरा में कितना, 1। तो यहां देख लीजिए इसका जो संयोजकता होता है, जो इसका वैलेंसी होता है, कितना होता है 1, कितना होता है 1 होता है, इसी कारण से वही इसका कौन सा हो जाएगा एन फैक्टर। तो अगर कोई आपको बोले कि सोडियम का एन फैक्टर निकालो, तो इसका वैलेंसी कितना होता है, इसका वैलेंसी होता है 1, पोटेशियम का वैलेंसी कितना होता है 1, कैल्शियम का कितना होता है 2, मैग्नीशियम का कितना होता है 2, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पे आपका ये सबका एन फैक्टर भी कितना हो जाएगा, इसका एन फैक्टर होगा 1, इसका भी 1 होगा, इसका 2 होगा, और इसका भी क्या होगा 2 होगा। इस चीज को एक और तरीका से हम लोग समझ सकते हैं, आइए उसको भी देखते हैं। तो क्या है मामला, तो मामला है भैया कि देख लीजिए, अगर सोडियम है तो सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और वो क्या बनाता है आपको पता है, Na प्लस, प्लस कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए प्रति चार्ज एक्सचेंज पर मोल ऑफ सबस्टांस, सोडियम का जब हम 1 मोल लिए तो कितना इलेक्ट्रॉन निकला, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 चार्ज का ट्रांसफर हुआ, तो आपका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ आप जो एन फैक्टर लिखिएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप मैग्नीशियम लिखिएगा तो एमजी से सबको पता होगा कि एमजी क्या बनाता है, एमजी प्लस 2, और प्लस कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है, एमजी से एमजी प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है। यहाँ देखिए कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 2, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, 2 हुआ, तो यहाँ जो आपका एन फैक्टर है वह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप एल्यूमिनियम ले लीजिए, एल्यूमिनियम का कितना होगा देख लीजिए, एल्यूमिनियम का कितना आता है, एयर प्लस 3, प्लस कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ एन फैक्टर जो है वह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये पहला किसके केस में था, एटम के केस में, जब भी कोई भी एटम दिखे तो आप वैलेंसी को खोजना। जैसे बाई चांस हमको कोई भी बोल दिया क्या, पोटासियम बोल दिया, तो पोटासियम का देख लीजिए क्या आएगा, के क्या बनाता है बताइए, तो के प्लस बनाता है, के प्लस बनाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, इसका एन फैक्टर जो है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी का भी एन फैक्टर निकाल सकते हैं, लेकिन कौन सा फॉर्म होना चाहिए, एटम का फॉर्म होना चाहिए।
अगला कौन सा है, एटम इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो कोई भी परमाणु जो आणविक रूप में जब रहता है उस समय उसका कैसे हम लोग निकालेंगे। तो देख लीजिए, जैसे ऑक्सीजन अगर परमाणु के रूप में रहेगा, एटम के फॉर्म में रहेगा, तो उसको ओ बोलेंगे। लेकिन यही जब मॉलिक्यूल होता है, जब अणु होता है, तो इसको क्या बोलते हैं अपना सर, O2 बोलते हैं। इसी प्रकार से नाइट्रोजन क्या रहता है, N, लेकिन मॉलिक्यूल में क्या रहता है, N2। इसी प्रकार से फ्लोरीन क्या रहता है, F, लेकिन जब उसका फ्लोरीन एटम का मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूलर रूप में रहता है, तो क्या होता है, F2 होता है। इसी प्रकार से अगर क्लोरीन बात करेंगे तो क्या रहता है, Cl रहता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या रहता है, Cl2 रहता है। फॉस्फोरस अगर आप देखिएगा एटॉमिक फॉर्म में तो क्या रहता है, P रहता है, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में देखें तो क्या होता है, P4 रहता है। ठीक है, तो ये सल्फर का हो सकता है, सल्फर का S रहता है ऐसे एटॉमिक फॉर्म में, और यहां रहता है S8 रहता है। तो इस प्रकार से जो आपका ये इसका एटॉमिक ग्रुप फॉर्म है और ये इसका मॉलिक्यूलर, मतलब परमाणुविक और आणविक। नाइट्रोजन एटम अगर कोई बोलेगा तो N लिखेंगे, और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कोई बोलेगा तो क्या लिखेंगे, N2। अगर क्लोरीन एटम कोई बोलेगा तो लिखेंगे Cl, और क्लोरीन मॉलिक्यूल कोई बोले तो क्या लिखेगा, Cl2 लिखेगा। अगर फॉस्फोरस एटम कोई बोले तो लिखेगा B, और फॉस्फोरस मॉलिक्यूल तो क्या लिखेगा, P4। ये इन सब का हम लोग क्या फाइंड करते हैं, N गुना या N फैक्टर फाइंड करते हैं। करना बड़ी आसान है, किस तरह से अपना सब फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी अभी आप निकाले थे, आपको फाइंड करने आता है वैलेंसी, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। तो वो कैसे, देखिए यहां ऑक्सीजन कितना आता है, 8, 2 और कितना, 6। आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेगा ना, तो यहाँ पे कितना होगा इसका वैलेंसी, 2 होगा। तो आप सबको पता है कि एटम का आपको सबको निकालने आता है, सबको अभी निकाले थे हम सब एटम का, चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक फॉर्म में कितना होता है, 2 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है वैलेंसी, 3 होता है। क्लोरीन का आपका फ्लोरीन का कितना होता है आपका, 1 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से अगर आप फॉस्फोरस देखिएगा तो फॉस्फोरस का एटॉमिक फॉर्म में कितना होता है, वैलेंसी 3 होता है। इसी प्रकार से अगर आप देखिएगा किसको, तो क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर। अगर देखिएगा सल्फर, तो यहां क्या होगा, S8 होगा। तो सल्फर को देख लीजिए, तो सल्फर का यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में कितना होता है, 2। ये सारा एटम का जो एन फैक्टर का आपको निकालना हो तो वह वैलेंसी के बराबर होता है, और वैलेंसी निकालना आप लोग जानते हैं, नहीं तो आप जाइए सर्च कीजिए और मिल जाएगा वैलेंसी का वीडियो। ठीक है, अब देखिए यहां कितना ऑप्शन हो गया, 2। तो एन फैक्टर निकालना आसान है, यहाँ कितना था, 2, गुना कीजिए 2 से, 2 × 2 = 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एटम में कितना था, 3 था, और गुना आता है, गुना 3 को 2 बार करो, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, यहाँ 6 हो जाएगा। ऐसे समझ में, अब यहाँ आप तो निकाल दिए होंगे, अब तो दिमाग में चलेगा, चलो अगर समझ आया तो फास्ट फॉरवर्ड कर लेना है, कितना है 1, यहाँ कितना है 2, करो 1 को 2 से गुना, कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ क्लोरीन कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 2, 2 को 1 से गुना करो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ देखो फॉस्फोरस कितना है, 3, लेकिन जब यह मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता था क्या रहता है, P4, तो आपको तो आता है, गुना कीजिए, 4 × 3 = 12, खत्म। सल्फर कितना है, 2 है, मॉलिक्यूलर में कितना दिया, ऐसे 8 × 2 = 9, यहाँ कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, इस प्रकार से जब कोई एटम मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा तो आप इस तरह से क्या फाइंड कर सकते हैं, एन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। अगला कौन सा है, आयंस का हम लोग को निकालना है क्या, एन फैक्टर निकालना है हम लोग को। तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है, बस आप नजर दौड़ाइए, एक बार में नहीं सीखे तो जो बोलिए आप, देख लीजिए आज के बाद एन फैक्टर का प्रॉब्लम सॉल्व कहीं भी आएगा हम लोग एक बार में बता देंगे। देखिए तो अब क्या होता है, यहाँ पे जो इसका परिमाण, आवेश का परिमाण, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अरे इतना इंग्लिश का हेल्प बतिया गया भाई, और ना सीधा सीधे देखते हैं, सीधा देखो, आयन दिख गया ना, यहाँ दिख रहा है कितना चार्ज है, 1 है। एन फैक्टर जो है तुम्हारा निकालना चाहोगे, यहाँ कितना आएगा, 1, देखो यहाँ कितना चार्ज है, 1, कितना होगा, 1, यहाँ चार्ज दिख रहा है, कितना है, 2, बस अब तो सब बना दोगे, यहाँ कितना है, 2, यहाँ भी कितना है, 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ बोलो कितना आएगा एन फैक्टर, 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ 2, समझ में आ गया ना, बाकी बना लोगे, क्यों बना दे, चलो हम बना देते हैं, यहाँ कितना आएगा, 2, यहाँ भी 2,
यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ कितना आएगा? एक यहाँ भी, एक यहाँ, एक सॉरी यहाँ कितना आएगा? दो है ना, दो आएगा यहाँ, दो यहाँ, पांच नहीं नहीं पांच नहीं, तीन हो गया यार। यहाँ कितना? छह नहीं, यहाँ भी कितना है? तीन, यहाँ दो, यहाँ लिख दो दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी कितना आएगा? दो। ये किसका था? आयंस का। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसका बहुत सारा बचा हुआ है, जैसे अब बचा हुआ है एसिड का, बेस का, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का, इन सब का मिलते हैं पार्ट टू में, वहां इन फैक्टर पढ़ेंगे और मजा आएगा रिडॉक्स रिएक्शन वाले में। ये तो आसान था, बहुत आसान, उसको भी आसान बना देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मजा की।